हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि 41,520 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती थी, जिसका कि नोटिफिकेशन पिछले साल 14 जनवरी 2018 को आया था, वो भर्ती का रिजल्ट फाइनली 1 साल 1 महीने कुछ दिन बाद आ गया है। तो मतलब 41,520 भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ गया है। हम लोगों ने आपको रिजल्ट देखने के लिए या तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप लोग लिंक दिया जा रहा है उस लिंक से ले सकते हैं रिजल्ट को। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो रिजल्ट है पीएसी और सिविल पुलिस दोनों के लिए कैटेगरी वाइज भी है और पूरा एक पीडीएफ भी है, बहुत सारे पेज हैं। तो बहुत हिसाब से अपना रोल नंबर देखना, उसमें रोल नंबर भी है, पिताजी का नाम भी है, आपका नाम भी है, उसके अलावा इसमें आपके नॉर्मलाइज्ड नंबर जो हुए वो भी है, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ है इसमें। तो कहने का मेरा मतलब है कि फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब 2 से 4 दिन में, कल या परसों में, मेडिकल की जगह भी आपको आ जाएगी कि आपको मेडिकल कहाँ जाना है। तो मेडिकल के लिए अभी अपने कान अब ऐसे घर में मत उसमें माचिस की तीली से साफ कर लेना, प्रॉपर किसी कान के डॉक्टर के पास जाकर अपने कान चेक करवा लो, प्रॉपर किसी डॉक्टर के यहां पर दांत साफ करवा लो। ये 2-3 चीज करवा लो, कान और दांत साफ करवा लो प्रॉपरली। और बाकी ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होता, बहुत इजी मेडिकल होगा, शानदार तरीके से सब लोग जाना। जितने भी साथियों का इस 41,520 वाली भर्ती में नाम आया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है, इसके बाद में मेडिकल अब कोई मेरिट नहीं लगेगी। जितने लोग मेरिट क्लियर कर मतलब मेडिकल क्लियर करेंगे उन सबको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। मुझे लगता है कि मार्च में ही आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, मार्च के एंड में, या ये समझ लीजिए कि अप्रैल के शुरू में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। खूब सारा खाइए पीजिए, दही दूध घी सब कुछ छोड़ के, शहरों में रह रहे हो तो गाँव चले जाओ अपने, दूध दही घी शानदार तरीके से लीजिए, खूब खाना पीना सूतिए, जिससे क्या होगा कि अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो गर्मी का मौसम आ जाएगा, ट्रेनिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। पता चला वहाँ ज़्यादा दौड़ाए और आप वहाँ पर चक्कर खाकर गिर रहे हो, 4 लोग आपको ले जाके बैरक में आपके बेड पर डाल रहे हैं। इज्जत रखना एग्जामपुर की, जितने लोग हमसे पढ़े हो, यदि आप हमसे पढ़े हैं, यदि एग्जामपुर या मेरा आपकी सफलता में कोई भी योगदान है तो हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। एक बार आपको बुलाएंगे, एक बार उस बुलावे में आ जाना। दूसरी बात, अपने साथियों को सभी से यही रिकमेंड करना कि एग्जामपुर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यहाँ से आप सब कुछ छोड़ के तन मन से, धन की तो जरूरत ही नहीं है, तन मन से पढ़ाई करें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको भर्ती होने से रोक लें। अब वो मेरे भाई बहन कि जिनका इस भर्ती में नहीं आया तो जिंदगी खत्म नहीं होती, इसके बाद तो अभी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है। 49,568 वैकेंसीज में आएगा, उसमें नहीं आया तो 5,557 जो जेल वार्डर की है उसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा जीडी में, आरपीएफ में, ग्रुप डी, एएलपी, नहीं तो जो 50,000 नई वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल की उसमें आएगा। यदि तन मन से एक चीज ठान ली है कि असफलता मिलती रहेंगी परंतु मेरे कदम नहीं ठहरेंगे, मेरा हाथ कलम से नहीं हटेगा, तो नौकरी मिलेगी। यदि इसको ऐसा सोच लोगे कि हाय पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मेरा नंबर नहीं आया, तो कुछ नहीं कर पाओगे, जरा भी रोना धोना नहीं है, उठना, फिर से मेहनत करना, फिर से सफल होना। क्योंकि याद रखना, ना मेहनत करने वालों की हार होती है, ना कोशिश करने वालों की हार होती है। जिनका रिजल्ट आ गया है उन सभी को परिवार सहित बहुत सारी शुभकामनाएं, खुशी से रहना, अच्छे से खाना पीना खाना, मेडिकल बेहतर देना। जो भी लोग मेडिकल क्लियर करेंगे वो सभी साथी आगे चले जाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि जिसने भी रिजल्ट नहीं देखा वो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और दूसरी बात, जितने भी मेरे साथी हैं वो आगे भी एग्जामपुर को सभी से बताना, सिफारिश करना कि आप चाहें तो एग्जामपुर से पढ़ सकते हैं, अच्छे से स्टडी कराई जाती है, अच्छे से तैयारी कराई जाती है। आपको कैसा लगा हम लोगों से जुड़कर, एक साल की या 13-14 महीने की जो हमारे साथ साथ था, अच्छा लगा? बहुत सारे ऐसे क्षण आए आप घबराए होंगे, लेकिन
एंड अंत में यदि आपने सब्र रखा होगा, आपने खुद पर विश्वास किया होगा, तो चीजें आपके अकॉर्डिंग चल रही होंगी। ऐसे आगे बढ़ते रहना, एक अच्छे पुलिस वाले बनना, एक अच्छे नागरिक बनना। जब भी आपका मन बेईमानी के लिए तत्पर हो, जब भी आपका ईमान डगमगाए, तो याद करना कि जो साथी आप ही के वो किसी और पुलिस में, किसी फौज में, भारत फौज में, सीआरपीएफ में शहीद होते हैं ना, एक रुपया नहीं लेते, आपके लिए वहां पर शहीद हो जाते हैं, आपके लिए वहां पर जान दे देते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि वो लोग सोचना कभी उनके बारे में, तो जब आपके दिल में ईमान डगमगाएगा तो शायद वो ना डगमगाए। अपने माँ बाप के बारे में सोचना कि वो कितने ईमानदारी से मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा के यहाँ पे पहुँचाया है। तो रिश्वत मत लेना जरा भी। यदि कोई भी गरीब, कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, कोई भी परेशान होता है, आपसे मदद लेता है, पूरा फर्ज निभाना ड्यूटी पे। याद रखिएगा, द ऑनर ऑफ योर नेशन एंड सोसाइटी कम्स फर्स्ट। आपके देश का सम्मान आपके लिए सर्वोपरि है। देन द ऑनर ऑफ योर फैमिली, उसके बाद में आपका उसके बाद में आपके साथी या ट्रुप्स, जिन साथियों के साथ आप ड्यूटी करोगे। तीसरे नंबर पे आपका परिवार और आप, सबसे एंड में आता है। यदि आप वर्दी की जॉब कर रहे हो या दुनिया में कोई भी, अपने काम से प्रेम करना, हिम्मत से काम करना, कहीं ड्यूटी मिले ड्यूटी से घबराना मत, और कभी भी एक दाग ऐसा ना आए कि जो आपके ईमान पर दाग आए। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नए सिरे से आगे भी बढ़ते रहना, अपने नोट्स ले जाना, समय मिले उनको रिवाइज करते रहना, एसआई की तैयारी करते रहना, जिससे कि जीवन में आपकी जो रफ्तार है वो रुकनी नहीं चाहिए। PCSIS जीवन में ट्राई करो, क्योंकि आपकी जो, आपका जो व्यक्तित्व है, पता नहीं आपको किस जॉब के लिए भगवान ने चुन रखा हो। तो ना तो परिस्थितियों से हारना, ना ही किसी और चीज़ से। आप सभी के आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और माता पिता का आशीर्वाद, एग्जाम्पुर को आपके माता पिता का, आपकी दुआएं ऐसे ही मिलती रहें, हम लोग भी आपके सहारे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पुर, कर विजय एग्जाम्पुर।